मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि सुंदरता है गुड़ जैसी मीठी, उसको आके काटती है बदमाश चींटी। अरे किसने मारी रे मेरी बहू को सीटी? हाँ सासू भाई, इसने। ए रुक, क्यों रे कलमू है? मक्खी मारने की औकात नहीं लगती तेरी, और तू मेरी बहू को सीटी मारता है। दोबारा सीटी मारी तूने? इधर इधर इधर, मैंने मारी सीटी। मैं तो लेडीज मानस हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे नहीं 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 नहीं, आप जैसी सुंदर, सुशील और गुजराती औरत से कैसा प्रॉब्लम? आपको कैसे पता मैं गुजराती हूँ? आवाज, आवाज ही आपका आयकर है ताई, हो ना सासू भाई? बराबर बोली सुन भाई। जब आप बोली ना कि लेडीज मानुस, तब भी मैं समझ गई थी कि आप पक्का गुजराती है। अच्छा, वाह वाह, दोनों होशियार भी है। क्या नाम रखा है? बता के क्या फायदा, आपको कहाँ याद रहने वाला है। हाँ वो तो अभी है। आपको कैसे पता क्यों मुझे नाम याद नहीं रहते? अभी आप बड़े लोग, हम गरीबों का नाम कहाँ याद रखोगे, ऐसे कह रही है मेरी सासू भाई। बराबर बोली सुन भाई, दरअसल हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। सुना है अन्ना गोखले के घर पे रसोई में मदद के लिए काम वाली बाई चाहिए, तो हाँ। मेरी दिकरी है ना, मेरी दिकरी को जरूरत है। अच्छा, अगर आप दोनों वहाँ पे काम पे लग जाएगी तो मजा आ जाएगा। वो उधर आ गए हैं, उनका घर। अच्छा चलते हैं। अच्छा नमस्ते, मिस यू। अभिषेक, लिटमस टेस्ट पास कर लिया हमने। अगर उर्मिला ने हमें नहीं पहचाना तो इसका मतलब कि दुनिया की कोई ताकत हमें पहचान नहीं पाएगी। अब तो अन्ना भाई आटे में आए समझ, तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। अच्छा सुन, अन्ना भाई को मिलने से पहले तू मेरा प्लान दोबारा समझ ले। दरे 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 दर। अरे जल्दी बड़ा हो जा बड़ा। ए बदमाश, तुम लोग तो ज्यादा ही बड़े हो गए। रुको रुको, अभी अन्ना। हाँ, आज खाने में क्या बनाऊं? आज सचमुच में तुम मेरी पसंद का बनाएगी क्या? मैं रोज आपको ही पूछ के आपके पसंद का खाना बनाती हूँ अन्ना। अच्छा ठीक है, तो आज भिंडी की स्वादिष्ट करकरी सब्जी बना। बराबर। लेकिन अन्ना भिंडी तो घर में है ही नहीं। अगर भाई आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे तू रोज यही करती, रोज मुझे पूछती है, रोज पूछती है कि क्या बनाऊ खाने में क्या बना, और फिर हमेशा तेरा बराबर और लेकिन अन्ना बीच में आ जाता है और बनता वही है घर में जो तुझे बनाना है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है अन्ना,
कभी कभी, लेकिन आज नहीं होगा। अच्छा तो हाथ आगे कर और शपथ ले। शपथ? हाथ आगे कर और बोल, मैं भारती प्रभाकर गोखले, मैं भारती प्रभाकर गोखले अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे होशो हवास में शपथ लेती हूँ कि, शपथ लेती हूँ कि आज के बाद, आज के बाद मैं बिना बराबर और लेकिन अन्ना किए, मैं बिना बराबर और लेकिन अन्ना किए वही बनाऊंगी जो मेरे ससुर बालकृष्ण गोखले उर्फ अन्ना बताएंगे, जो मेरे ससुर बालकृष्ण गोखले उर्फ अन्ना बताएंगे। तो अभी, तो अभी अरे शपथ पूरी हो गई, अरे शपथ पूरी हो गई। अरे क्या करूं इसका, अरे क्या करूं इसका। ए प्रभाकर पति, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर गुजकी। और अभी अभी शपथ पूरी हो गई है हा? तो अभी जा जाके बना अंजीरी दमालू, बना अंजीरी दमालू। बरोबर बरोबर अंजीरी दमालू। खबरदार खबरदार, तूने अभी शपथ ली है कि तू लेकिन अन्ना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं बोलेगी, याद है ना? हाँ हाँ, मैं तो ये कहने आई थी कि आज आलू है घर में, है ना? तो जा 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 बना बना बरोबर अंजीरी दमालू। लेकिन अन्ना, नहीं नहीं, नहीं। आप, मैं ये पूछने आई थी कि आप रोज ऐसी शपथ दिलवाएंगे। ओगो भाई, ओगो। मैं बना के लेके आती हूँ मस्त पे की अंजीरी दमालू। लेके आ। भारती बच गई, तुम लोग गए। उर्मिला ने हमें नहीं पहचाना, इसका मतलब मेरी कलाकारी रंग लाई। पापा मम्मी ने नहीं पहचाना तो आप इतने खुश हो रहे हो? ये तुझे उर्मिला का पता नहीं है, उसकी आंखें एक्सरे जैसी हैं, अल्ट्रेशन जैसी नाक। एक बार ना हम लोग अहमदाबाद जा रहे थे ट्रेन से और नाश्ता घर पे भूल गए। हाँ। तो उसने सूंघ के बता दिया कि सामने की बर्थ वाले के डिब्बे में थेपला और छुंदा है और निकला। पापा सच कहूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। जरूरत है अभिषेक, क्योंकि अन्ना भाई को विचारों से ज्यादा व्यक्ति से प्रॉब्लम हो गई है। और ये बात मुझे तब पता चली जब अन्ना भाई, मेरी गायत्री बेचारी थक जाएगी तो उसके लिए दो चार अच्छी लेडीज हेल्पर रख लो। आपको किसी ने पूछा क्या? और बार बार मेरी गायत्री, मेरी गायत्री, मेरी गायत्री क्या कर रहे हैं आप? आपका अभिषेक है, आप उसकी चिंता कीजिए, गायत्री की चिंता करने वाला बैठा है इधर। अपना आलतू फालतू सुझाव अपने पास में रखिए, हेल्पर रख लो, बिल पर रख लो। केशव प्रभाकर, अभी गायत्री की मदद करने के लिए है ना, मराठी व्यंजन बनाना जानती हो ऐसी दो औरतों को ढूंढो। हमारे विचार उन्हें अच्छे लग भी जाएं, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हमसे प्रॉब्लम हो गई अभिषेक। इसलिए दूसरी व्यक्ति बनके तुम्हारे घर में घुसकर यही परिवर्तन वाले विचार उन्हें समझाने होंगे। पापा आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? पॉसिबल तो मेरी गुजराती बेटी का शादी करके तेरे मराठी परिवार में जाना भी नहीं था, लेकिन आज देख मेरी गायत्री मुझसे ज्यादा अन्ना भाई की लाडली हो गई है। पापा पापा पापा, अभी मोर की तरह रोन नहीं, पकड़े जाएंगे। हाँ भैया, तू मेरा छोड़ना, तुझे सब कुछ याद है ना जो मैंने तुझे सिखाया है ट्रेनिंग में? What?
ऐसे ऐसे चलना है, समझा? लेकिन पापा हम लेडीज से भी ज्यादा लेडीज की तरह चल रहे हैं। हाँ तो चलना पड़ेगा, किसी को जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए हमारे औरत होने पर, समझा? हाँ चल, अब तू चल के दिखा। अरे चलना बेटा, चल चल चल, हो जाएगा हो जाएगा। अभिषेक इधर। अरे पिछले आधे घंटे से तुझे सिखा रहा हूँ कि कैसे चलना है, लेकिन तुझसे हो ही नहीं पा रहा। औरत होने के एक भी लक्षण नहीं है तुझ में। क्योंकि मैं औरत नहीं हूँ पापा, अगर मुझ में ऐसे लक्षण होते ना तो मैं आपकी बेटी का पति नहीं बनता। ए हरकचंद, मेरी उस बेटी को पाने के लिए तुझे अपने अंदर की औरत को जगाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर कोई औरत सो ही नहीं रही है, तो मैं उसे जगाऊंगा कैसे? बेटा बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से हमें अपनी चाल ढाल बोली औरत जैसी करनी होगी। बेटा तुझे तो ऐसी औरत बनना है, ऐसी औरत बनना है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन चुप और बोल, हम औरत हैं, औरत हैं, औरत हैं। बोल बेटा, बोलने से औरत नहीं हो जाएगा, तू बोल। हम औरत हैं, औरत हैं, औरत हैं। याद है ना सब कुछ? हाँ याद है सब कुछ। हाँ याद है सब कुछ, बोल दिया। लेकिन यहाँ आते वक्त रास्ते में क्या किया तूने? इन्हीं कपड़ों में पुरुष शौचालय में घुस गया था। अरे वो तो एंड टाइम पे मैंने अपना दिमाग लड़ाया और लोगों को समझाया। क्षमा करना, क्षमा करना, वो मेरी बिचारी बहू ना अपने खोए हुए पति को ढूंढ रही है, इसलिए। मस्त था, मस्त समझाया आपने। तो फिर अपने पति को जेंट्स टॉयलेट में ढूंढने वाली आपकी इस बहू को लोग किस निगाह से देख रहे थे, देखा आपने? अब मैं क्या करूं? सासू भाई को पूछूंगी तो कहीं डांट ना पड़ जाए। उर्मिला वहनी को पूछती हूँ। आप दोनों कौन? मैं चंद्रमुखी और ये मेरी बहू माजी सुन भाई सुलक्षणा। नमस्कार। नमस्कार। हमें आपसे कुछ काम है। मुझसे? हाँ अभी तो मेरा ही काम बिगड़ा हुआ है। वो मुझसे ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अन्ना को पता चलेगा ना तो शामत आ जाएगी। ऐसा क्या हुआ वहनी? वो मुझसे ना ये इस अंजीरी दम आलू सब्जी में नमक बहुत ज्यादा हो गया है और अन्ना का खाने का समय हो गया है। अन्ना मतलब मेरे ससुर। पता है आपको? कैसे पता? क्योंकि हम उन्हीं का पता ढूंढते हुए आई है ना। अच्छा अच्छा, उन्हीं का पता ढूंढते हुए? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले आपको अन्ना से मतलब आपके ससुर की डांट से बचाते हैं। हाँ है ना सुलक्षणा? कैसे सासु भाई? मेरी सुन भाई के सवाल बहुत होते हैं। मैं भी यही पूछने वाली थी। हाँ? कि आप कैसे बचाएंगे सब्जी को और मुझे अन्ना की डांट से। आइए चलिए। सुन भाई, उस चाय वाले से कहो ना कि उसका स्टोव हमें थोड़ी देर के लिए वापरने दें। पापा अपना धंधा छोड़कर हमें स्टोव कैसे दे? ठीक वैसे ही जैसे होटल के पड़ोसी ने तुझे गर्म पानी दिया था, भूल गया? मैं जब नहा रही थी तब मुझे पता चला कि मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। रुको, मैं अब भी पानी लेकर आता हूँ। प्लीज आप कहीं जाना नहीं है। आइए सासु भाई। भैया पानी लेके आए। जुग जुग जियो बेटा। आज
अभिषेक वाह, बस ऐसे ही जब भी मैं कहूँ अपने रूप के हथियार का इस्तेमाल करना। याद आया? हाँ पापा। अब देखिए आपके दामाद का हुँ? आपके बहू का चलवा। चाय वाले जी, जी एक दो मिनट के लिए आपका स्टोव हमें चाहिए था, दोगे प्लीज? अरे हाँ क्यों नहीं। सासू बहु देखिए भैया ने हमें स्टोव दे दिया। वाह, अरे कौन कहता है कि दुनिया में औरतों को मदद करने के लिए कोई मर्द नहीं है, है ना? यही है, यही है, यही है। आप ये क्या कर रही है चंद्रमुखी जी? सब बताती हूँ, जा तू थोड़ा सा दही ले आ पहले। हाँ हाँ। भाई साहब चम्मच है? आ, चलेगा चलेगा। चंद्रमुखी जी लपक छपक कर दूं मैं सब्जी सही, थोड़ा जादू हाथ का और थोड़ा सा दही। भाई 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 आपने तो जादू कर दिया, जादू। अभी आप पूछेंगी कि जादू का इशारा ऐसे किसे? हाँ तो ये ऋतिक रोशन का इशारा था। अच्छा, उसके पिक्चर में था ना वो जादू, तो हुआ ना ये जादू का इशारा। माफ करना, ऐसी मेरी आदत है। कोई बात नहीं, मुझे पता है भारती। भाई आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, टिप नंबर वन, हम दोनों में से किसी की कोई भी गलती हो जाए तो दूसरे को उससे तुरंत संभालना होगा और वही सवाल पूछना होगा जो सामने वाले के मन में आया हो। रिवर्स साइकोलॉजी पढ़ा है ना? यस पापा। सासू भाई अभी आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको सबके नाम बिना जाने कैसे पता चल जाते हैं, हो ना भारती बहनी? अभी तो पता चल गया ना, इन्होंने बताया। लेकिन इनको कैसे पता चला? वही बताएंगे वो, बताओ। हाँ हाँ बताती हूँ, सुन भाई। अरे बाकी लोगों के नाम जाने दे, लेकिन इसका नाम भारती क्यों है वो मैं बताती हूँ। अरे इसके चेहरे पर ही पूरा भारत है, देख ना, कश्मीर के सेब जैसे लाल लाल गाल, कोल्हापुरी मिर्ची जैसे तीखे नैन नक्श, गुजरात के गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी बोली और बंगाल की मिष्टी दोई जैसा इसका स्वभाव, तो हुआ ना इसका नाम भारती। भाई 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 आपने देश की तारीफ की वो मुझे अच्छा लगा, पर मैं उस लायक नहीं। लेकिन आपकी वजह से अन्ना मुझे रसोई में से 100 मार्क्स देंगे। होएनी, ये कैसे मार्क का इशारा था? वो रेस में दौड़ने से पहले बोलते हैं ना, ऑन योर मार्क, तो हुआ ना ये मार्क का इशारा। हमारे अन्ना मार्क देते हैं। हो सकता है हमें नौकरी भी दे दे। हाँ। नौकरी? हाँ, वो हमने सुना है कि आपको रसोई में मदद के लिए दो औरतों की तलाश है। हाँ, हम इसीलिए उनसे मिलने आ रही थी, क्या आप हमें अन्ना से मिला सकती हो? नेकी और पूछ पूछ। ये पूछ का इशारा था सासू भाई। हाँ हाँ सुन भाई। अच्छा तो आपके अन्ना से मिलने चले? हाँ हाँ चलिए, ये ले लेती हूँ। हाँ। भाई 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 अन्ना। हाँ। ये देखिए अंजीरी दम आलू। सचमुच बना के लाई तू? हाँ तो चखिए। अप्रतिम।
अप्रतिम बना दिया है भारती ने। हा? इस बार तुझे 100 में से 110 गुण। अरे वाह, गुण मुझे नहीं अन्ना, इन दोनों को दीजिए। निर्मिति और गायत्री? किन दोनों को भारती? अरे वो दोनों क्या नाम बताया था, हाँ चंद्रमुखी और सुलक्षणा। चंद्रमुखी सुलक्षणा। अरे आलू 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 मिली बस। नमस्कार अन्ना साहेब। नमस्कार, आपण कोण? नमकीन दुनिया की रानी रे, आमची बाकर।